मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत समाज से उनका गहरा रिश्ता है और समय समय पर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर कहा कि जिला पंचायत चुनाव में इस बार नए प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही भर्ती घोटाले पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। फिलहाल भर्ती घोटाले में 25 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। संत समाज हमेशा से हम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है और हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और जल्दी ही आपको सब नया जिला परिषद में सारे नए प्रतिनिधि मिलेंगे। नया जो है हमारा प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने सारे तैयारियां कर ली हैं, तय समय सीमा पर सब चुनाव होंगे।